कथित एम्बुलेंस घोटाले का मामला तूल पकड़ने लगा है। आरोप है कि नीतीश सरकार ने 31 मई को प्रदेश में 102 आपात सेवा के तहत चलने वाली 2125 एम्बुलेंस चलाने का ठेका जिस कंपनी को दिया वो जेडीयू के सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के रिश्तेदारों की है। नीतीश सरकार पर कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए नियमों में भी बदलाव करने का आरोप है। ये मामला अब पटना हाईकोर्ट पहुँच गया है जिस पर आज ही सुनवाई होगी। पूरी तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेकर के ऑब्जेक्शन फाइल किया गया था हमारे द्वारा भी और अदर पार्टिसिपेटिंग कंपनियों के द्वारा भी। घपले की बात सामने आने पर बीजेपी अब नीतीश सरकार पर हमलावर है। मेरा सवाल विपक्ष के सभी नेताओं से, जो बिहार जा रहे हैं वो वहाँ के भ्रष्टाचार पर भी नीतीश कुमार जी से जरूर पूछे। तो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला एम्बुलेंस का हुआ है। नीतीश सरकार ने पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की जिस कंपनी को टेंडर दिया है उस पर कई तरह की धांधली के आरोप हैं। इसके बावजूद एक बार फिर सैकड़ों करोड़ का ठेका उसी कंपनी को देने का आरोप लगा है।